नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों वाला नाश्ता और इसे हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया दिख रहा है, तो चलिए इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक करिएगा। हमने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं जिन्हें हमने छील कर अच्छे से मैश कर लिया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा आलू ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, जितना नाश्ता आपको बनाना है उतने आलू आप ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे हरा प्याज लिया है, एक कटा हुआ, जिसे हमने बारीक काट लिया है। अगर हरा प्याज नहीं है तो जो अपने घर में यूज होता है सूखा प्याज, आप उसे भी डाल सकते हैं। 2 डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, और साथ में 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। जो भी मसाले आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। अब नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मैश करना है। तो हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और अब हमने यहाँ पे लिया है मक्के का आटा और इसे हम 4 छोटे चम्मच डाल देंगे, या फिर हम ज़रूरत के हिसाब से इसे डालेंगे, कंबाइंड करके देख लेंगे। आलू अच्छे से कंबाइंड होना चाहिए और इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम 1 छोटे चम्मच रिफाइंड डाल देंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैश कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी नाश्ता बना सकते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे इसका एक डो की तरह इसे बनना चाहिए, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आलू में ही हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और ना ही इस नाश्ते को हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही हम इस नाश्ते को मिलाएंगे वैसे ही हम इस नाश्ते को बनाना शुरू कर देंगे, इसे हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है, तो चलिए इसके लिए खट्टी मीठी हम चटनी भी बना लेते हैं। और मैंने यहाँ पर एक छोटा पैन ले लिया है और इसमें 1/2 कप के करीब हम पानी डाल देंगे। और यहाँ पे 2 छोटे चम्मच हमने गुड़ लिया है, गुड़ की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए। गुड़ को हम पिघला लेंगे, आंच को हम धीमा रखेंगे और धीमी आंच में ही हमें गुड़ को पिघला लेना है इस तरह से। वैसे तो इस नाश्ते को आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर वाली चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ, पर मैंने यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी बनाई है। अब गुड़ और पानी में उबाल आ गया है तो इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, ये पिसी हुई अमचूर पाउडर है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच के करीब या फिर 2 चुटकी, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और 1/2 छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे, सौंफ से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा चटनी में। और यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं बाइट वाले, थोड़े से तिल भी डाल देते हैं। और चटनी हमारी बन गई है तो इसे निकाल लेते हैं। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे, तो हाथों पर हल्का सा तेल लगा लेंगे। और इस नाश्ते को आप जैसा चाहे शेप दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चपटा बना सकते हैं या चौकोर बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरह से इसे कमाइड कर हल्का सा लंबा करके चपटा कर देंगे। इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा रोल करके चपटा कर दिया है। और बाकी के नाश्ते भी हमें इसी तरह से बनाना है। पहले हम हाथों पर इसको एक लोई ले लेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे कंबाइंड कर देंगे और हल्का सा हम रोल करके चपटा कर देंगे।
और देखें, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही जल्दी बन गया है, ज़्यादा समय नहीं लगाया है हमने इसे बनाने में। अब हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो हम इस नाश्ते को डाल देंगे। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम आँच में हम नाश्ते को तल लेंगे। और इसी तरह से हम इसे तल लेते हैं। आप हमने यहाँ पे सेल्फ फ्राई किया है नाश्ते को, आप यहाँ पर थोड़े से तेल में भी इसे सेक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाश्ते को डीप फ्राई किया है, आप सेल्फ फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको नाश्ता पसंद हो आप उसे वैसे बना सकते हैं। सेल्फ फ्राई से भी अच्छा लगेगा और डीप फ्राई से भी। और हमने इसमें मक्के का आटा डाला है तो ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा और इनका एक अच्छा सा कलर आने तक हमें इस नाश्ते को सेक लेना है। और हमने इसे सेक लिया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और इस नाश्ते को अब हम निकाल लेंगे और बाकी का नाश्ता भी हमें इसी तरह से तल लेना है।